गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। तो आज हम बात करेंगे इंडिया सम अननोन प्लेसेस टू विजिट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माउलिनांग मेघालय। माउलिनांग एक भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक गांव है। यह एशिया के सबसे स्वच्छ गांवों में से एक है और साथ ही यह भारत का अनमोल रत्नों में से एक है। यह वादियों पे बसा हुआ एक गांव है। 2019 में जब इसका रेशियो निकाला गया था तब यहाँ पर 900 लोग निवास करते हैं और 2014 में यहाँ पर 90 घर पाए गए थे। यह गांव कुदरती तौर पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब बात करते हैं आर्क ब्रिज केरला। यह ब्रिज 100 से भी ज्यादा वर्षों के लिए केरला में स्थित 13 आर्क ब्रिज आज भी हाल में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह ब्रिज केरला में स्थित है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एरा में यह ब्रिज टोटल 108 साल पुराना है। यह ब्रिज 13 आर्क यानी कि हम जो हिंदी में मेहराब कहते हैं उसके ऊपर यह ब्रिज स्थित है। यह कोलम सेन गोटाई रेलवे लाइन पर एक मील का पत्थर है। यह लगभग 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे 13 ग्रेनाइट पिलर्स पर खड़ा है। 102.72 यानी कि 337 फीट लंबा है, जिसे 1904 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर लेपाक्षी। भगवान वीरभद्र का यहाँ पर मंदिर स्थित है जो शिव जी के अवतार थे। इस मंदिर पे रामायण और महाभारत के जमाने के महल और मंदिर के पेंटिंग्स इनकी दीवारों और गुंबद पर की गई है। यह मंदिर का सबसे अच्छा हिस्सा लेपाक्षी मंदिर में स्थित लटका हुआ स्तंभ है जो बिना किसी आधार पर यह खड़ा है। लेकिन इस स्तंभ को जमीन पर रखने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी यह आज भी स्थित है। लेपाक्षी कल्चरली और आर्कियोलॉजिकली यह महत्वपूर्ण है। यह तीर्थ स्थल को विजयनगर किंग्स के अवधि में 1336 से लेकर 1646 के दौरान में इसे बनाया गया था। यह मंदिर विजयनगर के राजाओं और तेलुगु शिलालेखों के भित्ति चित्रों का जगह है। मुदबिद्री कर्नाटका। मुदबिद्री जैन लोगों के लिए यह एक स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़कर है और साथ ही इतिहासकारों के लिए यह एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ पर कई सारे जैन तीर्थ स्थल है और उनमें से कई तो कई सदियों पुराने हैं, जो दिगंबर संस्कृति को दर्शाता है। जो लोकप्रिय 1000 स्तंभ वाला जैन मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि यह तकरीबन 600 साल से भी कहीं ज्यादा साल पुराना है। यह वास्तुकला में नेपाली होइसला ओरियल इन्फ्लुएंसेस है। मांडू मध्य प्रदेश। मांडू यह आज भी कई सारे लोगों के लिए अननोन प्लेस है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है जो शानदार और सुंदर आर्किटेक्चर को प्रदान करता है। यह राजकुमार बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के लिए यह वैलिडेटरी प्रूफ है। यह मांडू भारत के सबसे पुराने निर्मित स्मारकों में से एक है और साथ ही यह कई ज्यादा प्रसिद्ध है। यह शानदार महल है जो आज भी सही सलामत है, जो कई साल पुराना है। यह महल में कई सारे शिलालेख है। यह 633 मीटर यानी कि 2079 फीट ऊंची जगह पर स्थित है। सेलुलर जेल अंडमान आइलैंड। सेलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, यह जेल अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है जो भारत में एक कॉलोनियल जेल थी। यह जेल में शेर अली अफरीदी, बुटकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक सावरकर कई स्वतंत्रता सेनानी भारत के स्वतंत्रता के दौरान यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कैद करती थी और आज यह राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थित है। यह जेल को 1906 में बनकर तैयार किया गया था। यह जेल आज भी लोगों के लिए खुला है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इंडियाज सम अननोन प्लेसेस टू विजिट के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।